वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हो? दोस्तों इस एपिसोड में बात करेंगे फिल्म इंसाफ द फाइनल जस्टिस के बारे में, मतलब इस फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वर्डिट के बारे में, और एक अननोन फैक्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा आखिर में। सो वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों ये फिल्म आज से ठीक 27 साल पहले, मतलब आज ही के दिन 30 मई 1997 को रिलीज हुआ था। फिल्म के लीड रोल में थे अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, एलोंग विथ आलोक नाथ, रंजीत, मोहन जोशी, परेश रावल और भी बहुत सारे सह कलाकार इस फिल्म में थे। दोस्तों ये एक एक्शन मूवी है। फिल्म को डायरेक्ट किया था दयाल निहलानी ने और प्रोड्यूस किया था जिमी निरूला ने। म्यूजिक दिया था आनंद मिलिंद ने और गाने लिखे थे समीर ने। दोस्तों फिल्म का बजट था 3.80 करोड़ और इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पे इनकम किया था 40 लाख और पहले वीकेंड के बाद इस फिल्म का कलेक्शन था 1.13 करोड़ और पहले वीक में इस फिल्म ने कलेक्शन किया था 1.91 करोड़ और इस फिल्म का ओवरऑल नेट इंडिया लाइफ टाइम कलेक्शन था 3.72 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पे एक फ्लॉप फिल्म साबित हुआ था। दोस्तों मैंने साइड में स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, अगर आप लोग चाहो तो पॉज करके डेटा देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आप कलेक्शन को देखोगे तो मतलब 3.8 करोड़ की बजट था, 3.72 करोड़ आ चुका था, मतलब और अगर फिल्म थोड़ा बहुत चल जाता बॉक्स ऑफिस पे एटलीस्ट एक एवरेज फिल्म तो साबित हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे अक्षय कुमार की किस्मत कुछ ऐसे ही चल रहा था, उस 1997 उस दौर ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप हो रहा था उस 1997 में, और ये एक एग्जाम्पल है क्योंकि अगर और थोड़ा बहुत कलेक्शन कर लेता बॉक्स ऑफिस पे तो शायद ये एक हिट फिल्म साबित होता दोस्तों, या एवरेज होता, एटलीस्ट फ्लॉप तो नहीं होता। सो फ्रेंड्स रिव्यू के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मैं इसमें रिव्यू नहीं करूँगा क्योंकि दोस्तों मैंने ये फिल्म देखा था, बहुत पहले देखा था, मैं खुद भूल चुका हूँ। हालांकि आज इस फिल्म का बर्थडे है, आज के दिन रिलीज हुआ था इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो याद नहीं है इसलिए मैं रिव्यू नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑनेस्टी के साथ काम करता हूँ, अगर देखा नहीं है मैं कुछ भी बोल दूँ वैसा नहीं होगा। इतना कह सकता हूँ दोस्तों अक्षय कुमार की फिल्म है, एक्शन तो होगा ही और उस टाइप अक्षय कुमार बहुत बढ़िया एक्शन करते थे, आज भी करते हैं लेकिन उस ज़माने की बात ही कुछ और थी। दोस्तों इसमें दो गाने मुझे खास पसंद है, मतलब बाराना दे वो कॉमेडी वाला सॉन्ग और एक मेरी जाना आजा तुझे प्यार दूँ, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। अगर आप लोग चाहो तो देख सकते हो, तो देख के आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। मौका मिला तो मैं भी ज़रूर देखूंगा इस फिल्म को। तो इस फिल्म के बारे में मैं अननोन फैक्ट शेयर करूँ तो इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी जो रोल प्ले की है, पहले इस रोल के लिए अश्विनी भावे को साइन किया गया था, मतलब इनके साथ अक्षय कुमार बहुत सारे फिल्में पहले कर चुके हैं जैसे कि सैनिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन कुछ कारणवश इस रोल को वो कर नहीं पाई और बाद में शिल्पा शेट्टी को लिया गया। पहले इस फिल्म का टाइटल रखा गया था सजा, लेकिन संभव टाइटल चेंज करके फाइनली इंसाफ द फाइनल जस्टिस रखा गया। और दोस्तों 1997 में अक्षय कुमार के तीसरा फिल्म था जहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर बने थे, इससे पहले इसी साल में वो तराजू और दावा में नजर आ चुके थे। सो फ्रेंड्स ये था मेरा इस फिल्म के बारे में राय, अगर आप लोग चाहो तो इस फिल्म को देख सकते हो और कमेंट करना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दोस्तों अगर किसी फिल्म के बारे में आप लोग जानना चाहते हो, उस फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, वर्डिक्ट या कुछ फैक्ट, डेफिनेटली कमेंट में लिख कर बताओ। मौका मिला कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों कल फिर मिलेंगे, कल जिस फिल्म का बर्थडे होगा, रिलीज डेट होगा, उस फिल्म के बारे में, जैसे तो वैसे तो बहुत सारे फिल्म रिलीज होता है लेकिन किसी एक फिल्म को लेकर मैं आऊँगा और बात करूँगा। टिल देन टाटा बाय, जय हिंद, टेक केयर।